नमस्कार, मैं काजल यादव और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। तो मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तनिष्का चौधरी है और मैं आपको बाबा साहब के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे हम जानते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बाय बाबा साहब बी आर अम्बेडकर एंड इट वॉज फॉर्मलाइज टू हैव अ गुड एजुकेशन सिस्टम इन आर कंट्री। एंड आई एम देयरफॉर बिहाफ ऑफ माई फैमिली ऑल्सो सेइंग दैट फॉर कंटिन्यूएशन वी विल ट्राई टू बी एजुकेटेड एंड मोर फॉर्मलाइज इन आर कंट्री। एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपको आकर कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है कि हम क्या कहते हैं, हमारे समाज के सारे लोग हमारे साथ हैं, यहाँ पर एकजुट हैं और हमारी एक पावर दिखती है इससे कि दैट वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ। और मतलब कि ये है कि कुछ भी, मतलब आप छुपाओ मत, अपनी जाति मत छुपाओ, अपने आपकी पहचान आपकी जात से है और हमें बाबा साहब की राह पे चलना चाहिए। यानी कि आप बाबा साहब की राह पर चलती हैं? हाँ, मतलब कि हम एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि उन्होंने हमें वुमेंस को और जो भी डाउनग्रेडेड कास्ट हैं, लाइक अदर बैकवर्ड कास्ट, जो भी ST SC OBC जो भी है, उन सब के लिए जो भी किया है, तो उन लोगों को उसकी वैल्यू होनी चाहिए कि इतना सेक्रीफाइस किया उन्होंने, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी है, तो हम लोगों को उसकी अहमियत समझनी चाहिए कि अभी भी हमारे समाज के बच्चे हैं वो, मतलब एक उनको मतलब होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है और बाबा साहब की चीज़ों को समझना चाहिए, उनकी जो चीज़ें हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। तो गाइस, और हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर आकर उनको कैसा महसूस हो रहा है। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम उर्वशी है और मेरे को यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जाति के लोग इतने सारे, ऐसे पहली बार देख रही हूँ मैं इतने की इतनी ज़्यादा यूनिटी है। यहाँ पर आप पहली बार आई हुई हैं? नहीं, मैं सेकंड टाइम आई हूँ, बट मैंने इतना रश पहली बार देखा है आज बाबा साहब के उसमें, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इतना बड़ा महाउत्सव हो रहा है, तो आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे को देख के कि हमारी जाति के लोग ऐसे आए हैं और सब शामिल हैं, एक साथ बाबा साहब की चीज़ें सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनको जान रहे हैं जो जो उन्होंने हमारे लिए कराया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।